हेलो गाइस, मेरा नाम हरविंद, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं इस रियलमी 8 फ़ोन की, और देखते हैं कि हमें अनबॉक्सिंग के बाद में अब इस फ़ोन में क्या क्या एडवांस फीचर देखने को मिलता है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इस रियलमी 8 फ़ोन में रिव्यू के बाद में क्या एडवांस मिलता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है रियलमी 8। तो गाइस, आज हम फुल रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास साइबर सिल्वर, जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी। तो गाइस, यहाँ पे मैं स्टिकर को आज तक मैंने नहीं निकाला। तो गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों को क्वाड कैमरा पसंद नहीं आता है, और गाइस यहाँ पे कुछ लोगों को ये लिखा हुआ है डायल टू लीक। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता भी है, नहीं भी है। तो गाइस, यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट सबसे पहले बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी जल्दी फास्ट अनलॉक कर लेता है, कुछ सेकंड लेता है, लेकिन यहाँ पे जल्दी आपको फास्ट अनलॉक कर देता है। तो गाइस, यहाँ पे हम अगर फेस अनलॉक की भी बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट फेस अनलॉक भी कर लेता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे डिस्प्ले आता है 6.4 इंच के एमोलेड 60Hz के साथ। और गाइस, इसकी वेट की बात करेंगे तो काफ़ी लाइट वेट है, और यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाता है। बट गाइस, यहाँ पे आपको लाइट वेट मिल जाता है, जो कि अराउंड 178 ग्राम्स के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेस वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी किसी को अगर एक हाथ से अगर वो यूज करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत मेहनत हो सकता है। बाकी इसके कलर रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे तो गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी 60fps पे ये वीडियो चल रहे, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी कलर्स अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी हाँ, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, कहीं भी डार्क या तो फिर ज़्यादा कम ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये आपको कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और गाइस, हाँ, यहाँ पे आपको इस डिस्प्ले में काफ़ी एमोलेड स्क्रीन है, तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी गजब सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी हाँ, इसकी अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको मैंने कहा कि थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ सकता है। बाकी आप इसे वन हैंड करके भी आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अपडेट्स काफ़ी फास्ट आ जाता है, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले अभी भी आया है, जो कि मैंने अपडेट नहीं किया है। इसका जो वेस्ट वेरिएंट है वो है हमारे पास 8128, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और गाइस, यहाँ पे आपको कुछ इसे जैसे क्लियर करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको 4GB देखने को मिल जाता है, जो कि हाँ मीडियाटेक का हीलियो G90 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छा आप इसे यूज खेल सकते हो। जैसे VGMI 40fps HD US 2.1 की स्टोरेज इसमें मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पे आपको ओवरहीटिंग भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप इसे HD में खेल सकते हो BGMI वगैरह। और गाइस, यहाँ पे आपको 4G प्लस देखने को नहीं मिल जाता है। बाकी हाँ, बैटरी 5000mAh का है, और यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि नॉइस कैंसिलेशन करने में आपको ये काम आता है, जो कि कैंसिलेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पे आपको 4G प्लस देखने को नहीं मिलता है इसमें। और गाइस, इसकी कैमराज की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे क्वाड कैमरा है, जो कि आप इससे पहले वाली वीडियो से या तो फिर ये फ़ोन में आपने देखा। तो गाइस, यहाँ पे 64MP का AI क्वाड कैमरा मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा है 64MP। देन गाइस, यहाँ पे 8MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, 2MP माइक्रो कैमरा, देन गाइस 2MP डेप्थ कैमरा, और यहाँ पे सेल्फी आपको मिल जाता है 16MP का, और इसकी कटआउट भी काफ़ी छोटा है, काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी फेस अनलॉक और यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे गाइस, इस फ़ोन की एंटीटू बेंचमार्क बात करेंगे तो अराउंड 3,90,000 तक जाता है, जो कि आप गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पे खेल पाओगे। एमोलेड स्क्रीन के साथ यहाँ पे आपको 60Hz देखने को मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में अनबॉक्सिंग में मैंने बताया था, रियलमी लैब में जाके आप इसे अगर स्मूथ स्क्रोल या तो फिर स्मूथ अगर फास्ट थोड़ा काम आप अपने फ़ोन में करना चाहोगे तो गाइस यहाँ पे आपको इसे इनेबल करके रखना होगा। देन गाइस, यहाँ पे आपको थोड़े बहुत इसमें फास्ट इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो कि आप इजीली तरीके से इसे यूज कर पाओगे थोड़ा फास्ट में।
5000 की इमेज की बैटरी मिल जाता है और यहाँ पे आपको 35 वाट का फास्ट चार्जर जो कि 5000 का है काफ़ी, यहाँ पे आपको कम से कम 8 से 9 घंटा यहाँ पे बैकअप मिल जाता है, और अगर ख़त्म भी हो जाता है तो यहाँ पे 35 वाट का फास्ट चार्जर है जो कि 30 से 35 मिनट में आप इसे इस फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हो, ये 30 से 35 मिनट में हो जाता है। इस फ़ोन में अपडेट काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आप इसे थोड़ा बहुत, मैंने जो कहा था कि दिक्कत होता है, तो आप इसे वन हैंड करके आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और इसमें थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो देखने को मिला था वो भी अभी कुछ टाइम है मेरे पास, जैसे है फन, आप इसे वैसे अनइंस्टॉल भी कर पाओगे, लेकिन आज तक मैंने अनइंस्टॉल नहीं करा है और इसे यूज भी नहीं किया है। तो बाकी आप इसमें जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है आप इसे अनइंस्टॉल भी कर पाओगे। और यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है, उसी के साइड में यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, जनवे यहाँ पे बीच में आपको USB जैक मिल जाता है, और यहाँ पे लाउड स्पीकर, काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर यहाँ पे आपको आवाज़ सुनने को मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे कुछ रेडमी के फ़ोन सेम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम बटन एंड यहाँ पे पावर लॉक अनलॉक बटन, और डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप इसे छोटा भी यूज करना चाहोगे तो वैसे यहाँ पे आपको छोटे के लिए आपको वन हैंड यहाँ पे आपको सेटिंग करके आप इसे वन हैंड में कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मिनिमाइज जैसे करोगे किसी भी ऐप को तो वैसे यहाँ पे आपको मिनिमाइज भी मिल जाता है जो कि आप इसे वन हैंड करके आप इसे यूज कर पाओगे। तो वैसे यहाँ पे फोल्डिंग विंडो और मिनी विंडो भी देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड कर पाओगे। और गाइस जो कैमरा में जो एक फीचर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि आप यहाँ पे मोर पे जाओगे गाइस यहाँ पे आपको डुअल व्यू वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अगर व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ये फीचर है, जो कि आप बैक साइड और यहाँ पे फ्रंट साइड का यहाँ पे पिक्चर्स ले सकते हो। आप अगर व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैक साइड एंड फ्रंट साइड का यहाँ पे कैप्चर्स लेने को मिल जाता है। ये व्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि आप व्लॉगिंग इसे कर सकते हो काफ़ी ईजीली तरीके से। तो गाइस ये था Realme 8 की इस फ़ोन की रिव्यू, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट भी है और आप अगर परचेस करना चाहोगे तो गाइस यहाँ पे ये फाइबर का आप इसे कवर लगा के यूज कर सकते हो, कवर तो लगाना ही पड़ेगा अदरवाइज यहाँ पे डेंट या स्क्रैच आ सकते हैं ये अगर गिर जाता है तो। ये काफ़ी लाइट है और 5000 mAh के हिसाब से यहाँ पे लाइट मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस Realme 8 में, यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे देखेंगे कि हमें किस तरीके से कलर्स कैप्चर करके देता है, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस फ़ोन में। तो वैसे यहाँ पे पिक्चर्स मैं लगा देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे है कुछ पिक्चर्स जैसे AI मोड का, और यहाँ पे ये है पोर्ट्रेट मोड का, और गाइस यहाँ पे है 64 मेगापिक्सल का, और ये वाला है अल्ट्रा माइक्रो मोड, और ये वाला है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा।